हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। ये माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 का आखिरी एपिसोड है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये सीजन कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फांग शाओची को काफी सैड होकर गुड बाय कह रहा होता है। तभी यहाँ पर जियांग भी आ जाता है जो फांग को बताता है कि स्पेसशिप बस आने ही वाली होगी, अब तुम शाओची को कभी भी नहीं देख पाओगे और क्या तुम्हें अपने डिसीजन को लेकर रिग्रेट नहीं हो रहा। तो फांग बोलता है कि मेरी फीलिंग्स यहाँ पर मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि शाओची ठीक रहे। फांग जियांग को यहाँ पर एक लेटर देते हैं और इसे शाओची के जागने के बाद उसे देने के लिए बोलता है। वो उसे यहाँ पर यह भी बोलता है कि अगर शाओची उठने के बाद कुछ ज्यादा ही सैड हो तो प्लीज तुम उसकी मुझसे रिलेटेड सारी मेमोरीज को मिटा देना। जियांग बोलता है कि भला ये तुम क्यों करना चाहते हो, और मैं तो कभी अर्थ के लोगों की फीलिंग्स और इमोशन को समझ ही नहीं पाऊंगा। फांग बोलता है कि मैं ही नहीं चाहता कि वो यहाँ से जाने के बाद हमारे रिलेशनशिप की बोझ को अकेले ही ढोती रहे। जब से मैं शाओची से मिला हूँ मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, कि मेरी लाइफ का हर एक दिन मेमोरेबल होगा। और वैसे फीलिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती, जब आप किसी के साथ प्यार में होते हो ना तब आप उस पर्सन के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हो। और मुझे लगता है जो तुम शाओची को इतना प्रोटेक्ट कर रहे थे वो इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो तुम्हारी जेनेटिक मैच है या फिर तुम उसके सुपीरियर हो, मेरे हिसाब से तुम भी उसे पसंद करते हो। जिसकी ये सारी बातें सुनकर हम जियांग को भी थोड़ा सा इमोशनल देख पाते हैं और वो उसे बोलता है कि स्पेसशिप कुछ ही देर में आती होगी, इसलिए शाओची के साथ ही रहो, ये बोलकर वो चला जाता है। और फांग रोने लगता है। फांग शाओची के लिए उसका सारा फेवरेट खाने का सामान लाया होता है ताकि वो उसे अपने प्लेनेट पर वापस जाकर खा सके। उसने उसके लिए मिल्क टी भी ऑर्डर की होती है, जिसकी डिलीवरी लेने के लिए जैसे ही वो दरवाजे पर जाता है तभी सब कुछ स्टॉप हो जाता है, जो देखकर फांग समझ जाता है कि शाओची अब चली गई होगी। वो भागते हुए रूम के अंदर आता है और देखता है कि शाओची जा चुकी है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा रोता है और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल होता है क्योंकि यहाँ पर फांग को रोता हुआ देखकर आपको भी जरूर रोना आ जाएगा। इधर हम शाओची को देखते हैं, जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो सोचने लगती है कि मैं स्पेसशिप में क्या कर रही हूँ। तभी वहाँ पर जियांग आकर उसे बताता है कि सेकंड पोर्शन भी फेल रहा था। शाओची बोलती है कि ऐसे कैसे, अरे फांग ने कल ही तो मुझे प्रपोज किया था। जियांग बोलता है कि वो सिर्फ तुम्हें फेयरवेल देने के लिए ये सब कर रहा था, हम दोनों के बीच में डील हुई थी कि अगर वो पोर्शन नहीं बना पाया तो मैं तुम्हें प्लैनेट वापस ले जाऊंगा। शाओची बोलती है कि नहीं, मुझे वापस जाना ही होगा, मैं फांग को इस तरह अकेले सफर करते हुए नहीं देख सकती, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने दिन जिंदा रह पाऊंगी। जियांग बोलता है कि अगर तुम वापस जाओगी तो जल्दी ही मारी जाओगी, और तुम्हें क्या लगता है कि फांग तुम्हें अपने सामने मरता हुआ देखकर खुश होगा। हम लोग केप टाउन से बिलोंग करते हैं और हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम अपने प्लैनेट पर रहे, हमने इस बार मिशन को भी अच्छे से पूरा कर लिया है और अब वापस जाने के बाद मैं चीफ बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें और अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगा। लेकिन शाओची अब भी वापस जाने की जिद कर रही होती है। जियांग उसे काफी ज्यादा समझाता है और जब वो नहीं मानती तो वो उसे उसी रूम में लॉक करके वहां से चला जाता है। उसके जाते ही शाओची उस रूम का पासवर्ड डालती है जो कि उसने जियांग को डालते हुए देख लिया था, और फिर वहां से बाहर निकलती है। लेकिन उसके बाहर निकलते ही एक अलार्म बज जाता है। अब वो दोबारा कोशिश करती है और उस अलार्म को अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर देती है, पर जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है तो दूसरा अलार्म बज जाता है। अब वो ऐसे ही काफी बार कोशिश करती है लेकिन हर बार पकड़ी जाती है, इसलिए वो वापस से उसी रूम के अंदर आ जाती है। जियांग यहाँ पर उसे बोलता है कि शाओची ये सब करना बंद करो, फिर वो उसे वो सारी चीजें देता है जो कि फांग ने उसके लिए दी थी। शाओची जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें काफी सारी खाने की चीजें और फांग का दिया हुआ लेटर था, जिसको जब शाओची पढ़ना शुरू करती है तो उसमें फांग ने लिखा हुआ था कि शाओची मैं तुम्हें इस तरह गुड बाय कभी नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग और हम दोनों हमेशा साथ रहे, पर मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं उस सर्वाइवल पोर्शन को नहीं बना पाया, इसलिए मैंने ये सेल्फिश डिसीजन लिया और जियांग के साथ तुम्हें वापस भेज दिया। मुझे पता है कि तुम मुझसे काफी नाराज होगी लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम अपने मरने तक मुझे छोड़कर नहीं जाती, लेकिन एक रिलेशनशिप में एक दूसरे की सेफ्टी भी बहुत मैटर करती है और मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। आगे उसने लिखा होता है कि वो उसके रूम को हमेशा वैसे ही रखेगा जैसे वो छोड़कर जा रही है, और वो चाहता है कि वो उस नेकलेस को हमेशा पहन कर रखे जो कि उसने उससे अपना लव कन्फेस करते टाइम दिया था। फिर वो बोलता है कि इस सफायर रिंग में अब कोई भी मेमोरीज नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब इन मेमोरीज को मैं अकेले ही याद करूँ। वो उसे बोलता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि इस यूनिवर्स में तुम मुझे दो बार मिली और मुझे तुमसे दोनों बार प्यार हो गया, हालांकि अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे इतना जल्दी छोड़कर जाने वाली हो तो मैं तुमसे कभी भी अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपाता, और जब भी तुम मुझे स्माइल के साथ देखती तो मैं तुम्हें हग करता, पर हम दोनों दूर है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्यार खत्म हो गया है। इसके अलावा भी फांग ने लेटर के अंदर काफी सारी चीजें लिखी होती हैं और आखिर में वो लिखता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने प्लैनेट पर जाकर अच्छे से रहो, जो सब पढ़कर शाओची काफी जोर जोर से रोने लगती है। और ये सीन भी काफी ज्यादा इमोशनल होता है क्योंकि जियांग भी शाओची को देखकर खुद रोने लगता है
और उसके साथ बचपन की बिताई हुई मेमोरीज को याद करता है और उसने अब उसकी रूम का बैरियर भी हटा दिया होता है। इधर फांग शाओची के रूम में जाता है जहाँ वो उसकी चीजों को देखकर फिर से काफी सैड हो जाता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पर शाओबू और ली भी आते हैं जो उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, पर फांग इस बात का कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए वो उसे अकेला छोड़कर बाहर आ जाते हैं। शाओबू भी काफी ज्यादा सैड होती है क्योंकि वो आखिरी बार शाओची को गुड बाय भी नहीं बोल पाई। वो बोलती है कि मैं शाओची की फ्रेंड बनने के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं आखिरी वक्त तक उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लियो से यहाँ पर कंसोल करता है और बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शाओची कभी भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगी। पर फांग के लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि उसे फिर से अकेला रहना पड़ेगा। इधर फांग जब शाओची का रूम क्लीन कर रहा होता है तब उसमें उसके लिखे हुए उसे कुछ नोट्स मिलते हैं जो पढ़कर वो स्माइल करने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि शाओची भी उसके लिए एक रिंग तैयार कर रही थी जिस पर वो 7 का डिजाइन बनाना चाहती थी क्योंकि उसका रियल नेम 7 है, जो सब देखकर फांग फिर से सैड हो जाता है और रोने लगता है। जिसके बाद सीन शाओची पर आता है जो कि फिर से वहां से निकलने की प्लानिंग कर रही होती है, पर तभी जियांग उसके पास आकर उसे बताता है कि वो जल्दी ही प्लांट पहुंचने वाले हैं और इस बार वो जानबूझकर उसके पास आया था। शाओची अब उसके जाते ही यहाँ से फिर से निकलने की कोशिश करती है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रहती है वो देखती है कि सारे सिक्योरिटी कैमरास अपने आप ही ऑफ होते जा रहे हैं। इसी तरह वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। इधर कैंडी जियांग को बता रही होती है कि शाओची यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, पर जियांग बोलता है कि अच्छा मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और ये सब वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि अब उसने शाओची की मदद करने का डिसाइड कर लिया था। शाओची फिर लाइफ बोट में बैठकर अर्थ पर जाने के लिए यहाँ से निकल जाती है, पर जैसे ही वो चेयर पर बैठने वाली होती है तभी देखती है कि वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसे जब वो ओपन करती है तो उसके अंदर एक कैंडी और एक पोशन रखा हुआ था। तभी जियांग शाओची के साथ होलोग्राम के थ्रू बात करता है जहाँ वो उससे माफी मांगता है और बोलता है कि सेकंड सर्वाइवल पोशन एकदम सक्सेसफुल रहा था, पर मैंने तुमसे ये बात छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें वापस अपने होम प्लैनेट पर लेकर जाना चाहता था। लेकिन जब फांग तुम्हें गुड बाय कह रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन तब भी ये बात मैंने तुमसे छुपाई। पर जब तुम फांग का लेटर पढ़कर बच्चों की तरह रो रही थी तब मुझसे ये देखा नहीं गया और मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम्हारे लिए वापस जाना ही बेहतर रहेगा। आगे वो उसे बताता है कि फांग ने यहाँ पर आने से पहले मुझे कहा था कि तुम शाओची को पसंद करते हो इसीलिए तुम उसे इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो बात मुझे अब जाकर समझ में आई है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बार बार फांग से मिलने से रोकता था। जियांग उसे ये भी बोलता है कि अब मुझे समझ आ गया है कि इमोशंस कोई बेकार चीज नहीं है और जब आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो, इसलिए मैं भी अब अपना ऑब्सेशन गिव अप कर रहा हूँ। वो उसे उसका चाइल्डहुड अच्छा बनाने के लिए थैंक्स बोलता है और गुड बाय बोलकर चला जाता है। शाओची भी उसे थैंक्स बोलते है और उसकी दी हुई कैंडी खाने लगती है। वो काफी खुश हो रही थी कि अब वो फाइनली अर्थ पर जा रही है, पर तभी वो खुद से बोलती है कि स्टूपिड फांगलिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे डंप करने की, अब देखना मैं क्या करती हूँ। पर उसी वक्त उसकी स्पेसशिप में फिर से गड़बड़ी होने लग जाती है। अब हमें कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर फांग एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहा होता है जिसका नाम था फॉरएवर 7 जो कि उसने शाओची की याद में बनाया था और ये परफ्यूम सिर्फ फीमेल्स के लिए था। और यहाँ वो सभी लोगों के सामने ये भी अनाउंस कर देता है कि वो शाओची के लिए हमेशा सिंगल रहेगा। और हम यहाँ पर उसके हाथ में वही रिंग देखते हैं जो कि शाओची उसे बनाकर देना चाहती थी। सीन अब लियो और शाओबू पर आता है जो कि फांग का इंटरव्यू देख रहे होते हैं और थोड़ा सैड होते हैं कि उसने शाओची के लिए हमेशा अकेले रहने का डिसाइड किया है। शाओबू ली से पूछती है कि अगर मैं भी अपने प्लैनेट चली गई तो क्या तुम भी ऐसा ही करोगे। ली बोलता है कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं तो अपने भाई से एक कदम आगे निकलूंगा, अगर तुम चली जाओगी ना तो मैं मर ही जाऊंगा। जो सुनकर शाओबू उसे चुप होने के लिए बोलती है और फिर ये दोनों साथ में ली के एक पेंटिंग एग्जीबिशन में जाते हैं। जिसके बाद हम मिस चाय को देखते हैं जो कि डॉक्टर सांग से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी क्योंकि वो किसी काम से अब्रॉड गए हुए थे। सीन अब फिर से फांग पर आता है जो कि कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद जब ऑफिस में आता है तो हान उसे अपनी नॉवल दिखाता है जो कि वो उसके और शाओची पर लिख रहा था। वो उसे बताता है कि वो एक राइटर बनना चाहता है इसलिए वो इस जॉब से रिजाइन दे रहा है और अब उसकी जगह उसका कजिन उसका नया असिस्टेंट होगा। ये सब बोलकर वो काफी सैड होकर जा रहा था तभी फांग उसे रोकता है और हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन हान काफी इमोशनल था और वो फांग के गले लगकर रोने लगता है। तो फांग उसे बोलता है कि अगर तुम्हारी बुक्स ना बिके तो कभी भी तुम जॉब पर वापस आ सकते हो। फिर हम फांग के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि ली का एग्जीबिशन देखने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर मॉम अब काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि ली काफी फेमस पेंटर बन गया था और उसकी पेंटिंग काफी पैसों में बिक रही थी, जिनके साथ यहाँ पर अंकल कांग भी आए हुए थे। फिर हम जियांग को उसके प्लैनेट पर देखते हैं जहाँ पर उसने डीएनए मैच वाला सिस्टम हटा दिया था और अब कोई भी किसी से भी प्यार कर सकता था, यहाँ तक कि रोबोट्स भी, इसीलिए अब सारे रोबोट्स ह्यूमन फॉर्म में बदल रहे होते हैं। जैसे ही कैंडी वहाँ पर आती है तो जियांग उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में काफी अच्छी लग रही थी। अब जैसे वो जियांग को चॉकलेट खाने के लिए देती है तो जियांग का हाथ उसके हाथ से टच होता है जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि उसके सिस्टम में भी शाओबू की तरह गड़बड़ी आने लग गई है जियांग को देखकर, क्योंकि शायद वो भी उसे पसंद करती है। सीन अब फिर से मदर पर आता है जो कि फांग को कॉल कर रही होती है उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए, पर फांग ने हर बार की तरह मना कर दिया था,
इसलिए वो उसे कॉल लगाती है, पर उसने उसका नंबर भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था, इसलिए वो डैड के फोन से उसे फोन करती है। फांग जैसे ही कॉल उठाता है तो वो उसे बोलने लगती है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम हमेशा सिंगल नहीं रह सकते। लेकिन वो अब भी उसकी बात नहीं मानता और सीधे अपने घर चला जाता है। घर पर जब फांग अपने लिए खाना बना रहा होता है तभी वो शाओची के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करता है। अब जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठता है तभी वहाँ पर लिया जाता है, जो उसे बताता है कि मॉम ने मुझे यहाँ पर भेजा है, अगर तुम कल ब्लाइंड डेट पर नहीं गए तो मुझे घर में नहीं घुसने देंगी। पर फांग डेट पर जाने से मना करता है। ली बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ शाओची से प्यार करते हो, लेकिन तुम वहाँ ब्लाइंड डेट पर जाकर सिर्फ अपनी शक्ल दिखाकर आ जाना ना, मॉम को तुम्हारी चिंता है इसीलिए वो ये सब कर रही है। ये सब बोलकर ली अंदर सोने के लिए जा रहा था, पर फांग उसे वहाँ पर सोने नहीं देता क्योंकि वहाँ पर शाओची सोया करती थी, इसलिए वो उसे सोफे पर सोने के लिए बोलता है और शाओची को याद करने लगता है। अगले दिन फांग जब मीटिंग रूम में होता है तो वहाँ पर 3 परफ्यूम के ट्रायल हो रहे थे और सभी लोग उन्हें टेस्ट कर रहे थे। एक परफ्यूम उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है जो कि किसी नए इंटर्न ने बनाया था। सभी लोग उस इंटर्न के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि उसकी नाक ना बहुत ही सेंसिटिव है और वैसे उसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर उसने काफी अच्छा परफ्यूम बनाया है। एक पर्सन बोलता है कि जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया था ना, तब उसने कहा था कि उसे अर्थ में काफी इंटरेस्ट है और वो एक स्पेशल पर्सन के लिए वापस आई है, और ये जो परफ्यूम अभी हम स्मेल कर रहे हैं उसने उसका नाम रियूनियन रखा है। जो सारी चीजें सुनकर फांग को लगता है कि ये जरूर शाओची होगी। वो उन लोगों से पूछता है कि ये एम्प्लॉय कहाँ पर होगी, तो वो लोग बता देते हैं कि इंटर्न एरिया में, इसलिए फांग भागते हुए वहां पर जाते हैं। फांग अब जैसे ही उसके डेस्क पर जाता है तो वहां पर उसे शाओची का पेन मिलता है। वो एक दूसरे एम्प्लॉय से पूछता है कि ये जो नया इंटर्न है क्या इसका नाम शाओची है, पर वो बोलती है कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता क्योंकि वो कुछ ही दिन पहले आई है, लेकिन आज वो छुट्टी पर और उसने कहा है कि वो ना ब्लाइंड डेट पर जा रही है। जो सुनकर फांग समझ जाता है कि मदर ने जो ब्लाइंड डेट अरेंज की थी वो जरूर शाओची के साथ थी, इसलिए वो भागते हुए यहाँ से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे मदर का कॉल भी आता है जो उसे पूछती है कि तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, तो बोलता है कि मैं बस रास्ते में ही हूँ। फांग जैसे ही ब्लाइंड डेट वाली जगह पर पहुंचता है तब वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता। उसी वक्त उसे मदर का कॉल आता है जो उसे बोलती है कि तुम ना 2 घंटा लेट आए हो, जरूर वो लड़की नाराज होकर चली गई होगी। अब फांग यहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि शाओची क्या तुम वापस आ गई हो, और फिर साइड होकर यहाँ से चला जाता है। पर जब फांग रास्ते में होता है तभी अचानक से सब कुछ रुक जाता है, जो देखकर फांग हैरान हो जाता है, और तभी उसकी कार के सामने अचानक से शाओची आती है। फांग उसे देखकर काफी सरप्राइज होता है और कार से बाहर निकलता है, जहाँ शाओची उसे बोलती है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे पेरेंट्स की मदद से ही कर पाई, पर फांग तो सीधा उसे किस कर देता है क्योंकि वो उसके वापस आने से काफी ज्यादा खुश था। इधर मॉम डैड को भी पता चल जाता है कि फांग और शाओची का रियूनियन हो चुका है, जो देखकर वो काफी खुश होते हैं, और अब मदर भी फांग से बिल्कुल जेलस नहीं होती। सीन अब ली पर आता है जो कि फांग का घर पर वेट कर रहा था। जैसे ही फांग आता है तो वो उसे बोलता है कि अरे भाई तुम डेट पर क्यों नहीं गए, मॉम ना मुझे अब कॉल करके बहुत ज्यादा डांटेंगी, पर अभी तक उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया। तभी फांग अंदर आता है और बोलता है कि मुझे ना शाओची के लिए खाना बनाना है। ली बोलता है कि भाई 1 मिनट, मुझे पता था कि ये दिन तो जरूर आएगा लेकिन इतना जल्दी आएगा मैंने नहीं सोचा था। मुझे पता है कि तुम ना शाओची को काफी मिस कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इल्यूजन हो रहा है कि शाओची यहीं पर है। उसे लगता है कि फांग ना पागल हो गया है, इसलिए वो हॉस्पिटल फोन करने लगता है। तभी शाओची उसके पास आकर पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। अब जैसे ही वो शाओची को देखता है तो जोर से चिल्लाकर फांग के गले लग जाता है और बोलता है कि अरे मुझे भी इल्यूजन हो रहा है कि शाओची मेरे सामने है। उसी वक्त वहां पर शाओबी भी आती है और जैसे ही वो शाओची को देखती है तो उसे भी लगता है कि उसे इल्यूजन हो रहा है, और ये दोनों पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि शाओची वापस आ गई है। कहानी अब 1 महीने आगे जाती है और हमें सीधा शाओची और फांग की शादी वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों रेडी होकर एक दूसरे के साथ रोमांस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मैं शाओची को लेने के लिए नहीं आया। फिर वो इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है इनकी शादी के लिए और बताने लगता है कि अब वो अपने प्लेनेट पर अर्थ के जैसा खाना बनाते हैं, इसलिए वो कुछ फूड मटेरियल लेने के लिए यहाँ पर आया था, पर मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है इसलिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आ गया। फिर वो उन्हें एक रेड पैकेट देता है जिसके अंदर वो अपने प्लेनेट की काफी सारी करेंसी लेकर आया था। वो यहाँ पर इन लोगों को कैंडी से मिलवाना चाहता था, लेकिन वो तो बाहर मजे से खाना खाने में लगी हुई होती है। वहाँ पर एक चॉकलेट का पीस रखा हुआ था जिससे वो 2 बच्चों से पहले उठा लेती है। तो बच्चे बोलते हैं कि अरे मैडम आप बच्चों के साथ क्यों खाने के लिए लड़ाई कर रही हो, तो वो कहती है कि तुमने मुझे मैडम बोला, मैं तो अभी 1 साल की भी नहीं हुई हूँ। तो बच्चे उसे झूठी बोलकर चले जाते हैं। तभी वो यहाँ पर शाबू को देखकर उसे हाय बोलती है। शाबू तो उसे पहचान ही नहीं पाती, तो वो बताती है कि मैं कैंडी हूँ। शाबू उसे देखकर हैरान हो जाती है और टच करने लगती है। बोलती है कि अरे वाह, हमारे प्लैनेट ने तो बड़ी तरक्की कर ली है और तुम ह्यूमन फॉर्म में।
फिर वह उससे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कैंडी बताती है कि मैं यहाँ पर जियांग के साथ आई हूँ, जो सुनकर शाओबो और ली फटाफट से शाओजी के पास भागने लगते हैं। कैंडी अब जब खाना ले रही होती है तभी वहाँ पर हान आता है, जो कि कैंडी को पहली नज़र में ही देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। लेकिन कैंडी की नज़र तो उसकी प्लेट में रखी चॉकलेट्स पर थी, इसलिए वो चॉकलेट को उसे देने लगता है। पर इससे पहले कि वो उसे ले पाती वहाँ पर जियांग आ जाता है। वो कैंडी को बोलता है कि अब तुम कुछ ज़्यादा ही चॉकलेट खाती हो, तो क्या तुम्हारा नाम कैंडी से बदल के चॉकलेट रख दूँ। कैंडी बोलती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। पर जियांग उसे यहाँ से ले जाता है और कैंडी हान को बाय बोलकर चली जाती है। और हान अब यहाँ पर अपनी लव स्टोरी शुरू करने के लिए काफी खुश हो रहा था, जिसके बाद फांग और शाओची की शादी होती है, जहाँ पर मिस चाय इन दोनों की रिंग्स एक्सचेंज करवाती है। तो फांग शाओची को सफायर रिंग पहनाता है और शाओची फांग को फॉरएवर 7 वाली रिंग पहनाती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इनकी वेडिंग सेरेमनी पूरी हो जाती है। सभी लोग इन्हें देखकर काफी खुश होते हैं, यहाँ तक कि जियांग भी। फिर ये दोनों विशिंग ट्री के पास जाते हैं अपने विश कार्ड निकालने के लिए, क्योंकि इन दोनों की विश पूरी हो चुकी थी, जिसमें इन दोनों ने ही हमेशा एक दूसरे के साथ रहने के बारे में लिखा हुआ था। फांग यहाँ पर शाओची से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक और विश पूरी करो, मैं तुम्हारे साथ आसमान में उड़ना चाहता हूँ। तो शाओची टाइम स्टॉप करके उसे आसमान में लेकर जाती है, जहाँ ये दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसके बाद कहानी फिर से कुछ साल आगे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फांग और शाओची के दो बच्चे हो गए थे, जिनके नाम थे तांग तांग और लियांग लियांग। और शाओबो और ली का भी एक क्यूट सा बेबी बॉय था, जिसका नाम था वेन वेन। इन सभी लोगों के लिए जियांग ने अपने प्लेनेट से गिफ्ट्स भेजे होते हैं, जिन्हें देखकर वेन वेन और तांग तांग तो काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन लियांग बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एकदम अपने पापा पर गया था। और फांग की तरह वो ये सब देखकर काफी जेलस होता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि ये सभी बच्चे अपनी मॉम्स की तरह सुपर पावर्स के साथ पैदा हुए थे। जियांग यहाँ पर शाओची से होलोग्राम के थ्रू बातें करता है और उसे बताता है कि उन्होंने केप टाउन में जो न्यू कैंडीज इन्वेंट किया है वो उसने उसे भेजी है। बाकी बच्चों के लिए भी ऐसे उसने काफी सारी चीजें भेजी होती हैं। पर लियांग जो कि अपने डैड की साइड था, वो इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और जियांग ने यहाँ पर फांग के लिए कुछ भी नहीं भेजा था। फांग को जेलस देखकर शाओची उसके पास जाती है और उसे बोलने लगती है कि ये कैंडी इतनी भी अच्छी नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो तुम जो खाना बनाते हो ना वो सबसे बेस्ट होता है। ये सब बातें करके वो फांग को मना लेती है, जिसके बाद अमली और शाओबो को देखते हैं जो कि साथ में घूमने के लिए गए होते हैं। वहां पर शाओबो ली की पेंटिंग बनाती है, जिस पेंटिंग को देखकर ली बोलता है कि अरे तुमने मुझे अपने मॉडल बनने के लिए क्यों कहा, पर फिर वो उसकी झूठी तारीफ करने लगता है। इधर ये तीनों बच्चे जब आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, तभी वेन वेन टर्टल में बदल जाता है, इसीलिए उसके सिस्टम को ठंडा करने के लिए उसे आइस क्यूब में रखा जाता है। और तब तक ली और शाओबो भी घर पर आ जाते हैं। फिर वेन वेन वापस से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि आज न्यू ईयर था, इसीलिए ये सभी लोग साथ में काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर ली और शाओबो प्लानिंग करते हैं कि उन्हें ना दो बच्चे और कर लेने चाहिए, क्योंकि उन्हें शाओजी और फांग से आगे निकलना है। तो फांग भी एक और बेबी की प्लानिंग में लग जाता है। अब जैसे ही न्यू ईयर होता है तो ये सभी लोग एक दूसरे को विश करते हैं। फांग शाओजी से पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी, तो शाओजी बोलती है कि मैंने ये विश मांगी है कि हमारी हैप्पी स्टोरी कंटिन्यू रहे और इसका सीजन 3 भी आए, जिस पर फांग बोलता है कि तुम्हारी ये विश जरूर पूरी होगी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, ये था माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 का दी एंड, और इसका सीजन 3 भी एक दो साल में आ ही जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाली स्टोरी में क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।